दोस्तों श्रीलंका के कप्तान खेलेंगे हार्दिक पांड्या के अंडर। अब आप इससे सोच रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या के अंडर कौन सा श्रीलंका का कप्तान खेल सकता है, तो मैं आपको बता दूं, दासुन शनाका जो कि श्रीलंका के लिमिटेड ओवर्स के कैप्टन है, या कह सकते हैं वाइट बॉल कैप्टन है दासुन शनाका श्रीलंका के, वो अब खेलेंगे हार्दिक पांड्या के अंडर। फ्रेंचाइजी होगी गुजरात टाइटंस, क्योंकि साइन कर लिया है दासुन शनाका को 50 लाख रुपए में, यानी कि उनके बेस प्राइस में दासुन शनाका को केन विलियमसन के रिप्लेसमेंट के तौर पे। अब केन विलियमसन की नी इंजरी हो गई थी सीएसके के खिलाफ, जो ओपनिंग गेम था आईपीएल 2023 का, उसमें नी इंजरी हो गई थी। केन विलियमसन अब वापस चले गए न्यूजीलैंड अपने घर पर, वहीं पर उनका होगा ट्रीटमेंट। अब केन विलियमसन को रिप्लेस किया है दासुन शनाका ने, जो इस बार का ऑप्शन भी था आईपीएल का, उसमें जो दासुन शनाका का नाम भी आया था लेकिन अनसोल्ड गए थे। सब चौंक गए थे कि इतना धाकड़ ऑलराउंडर जो कि श्रीलंका का कप्तान भी है, भारत में आके जिसने वनडे में भारत के खिलाफ सेंचुरी बनाई और जो कि उनके करियर की दूसरी सेंचुरी थी, और ज़बरदस्त उन्होंने स्टेबिलिटी दी थी लोअर मिडल ऑर्डर पे, जो कि ऊपर का कोई बल्लेबाज नहीं दे पाया। और मतलब श्रीलंकन टीम में एक लिमिटेड ओवर्स में ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है इस पूरे एरा में, इस करंट सिनेरियो में, उसको कैसे नहीं लिया आईपीएल के ऑक्शन में, या वो कैसे अनसोल्ड चले गए। पर अब देखिए कैसा जो हेर फेर हुआ है किस्मत का, कि एक दिग्गज खिलाड़ी जाता है, यानी केन विलियमसन जाते हैं, जिनका जो है जिनको 2 करोड़ में खरीदा था गुजरात टाइटंस ने, उनकी जगह पर जो है 50 लाख रुपए देकर और उनको खरीद कर दासुन शनाका को अब रिप्लेसमेंट के तौर पर आ जाते दासुन शनाका का अब गुजरात टाइटंस की टीम में। ये एक बड़ी चीज़ है, और एज पर मनी एज पर मॉनिटरी ये भी एक बहुत इंटेलिजेंट चीज़ है। देखिए गुजरात की टीम है, और देखिए अंदरूनी बिजनेसमैन होते हैं सारे, तो ये अच्छा एक मूव है। और आपको याद ही होगा जब शनाका भारत आए थे खेलने T20 सीरीज में, उन्होंने 124 रन बनाए थे, स्ट्राइक रेट था उनका 187 कंसिस्टेंट थ्रू आउट। और साथ ही साथ जैसे मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करी, तो लिमिटेड ओवर्स के कप्तान है श्रीलंकन टीम के, और साथ ही साथ देखिए फॉर्म बहुत अच्छा है दासुन शनाका का, अभी साल 2023 में भी अच्छा था, 2022 के ख़त्म होते होते भी अच्छा था, और सही मूव है, क्योंकि मिडल ऑर्डर में चाहिए एक ऐसा बल्लेबाज जो माइंडसेट उसका रन बनाने का हो, लगातार अच्छे अच्छे बाउंड्री क्रॉस करने वाले छक्के भी मारे, चौके भी मारे, और साथ में गेंदबाजी भी कर लेता हो। राइट आर्म मीडियम गेंदबाज है, विकेटें भी लगातार चटका कर देते हैं, स्लोअर बंद काफ़ी अच्छी करते हैं। तो दासुन शनाका को एज अ रिप्लेसमेंट बुला लिया गया है केन विलियमसन का, केन विलियमसन जा चुके हैं घर पे। अब हार्दिक पांड्या जो कि भारत के फ्यूचर कप्तान भी होंगे, और उनके अंडर खेलेंगे दासुन शनाका, जो कि श्रीलंकन टीम के लिमिटेड ओवर्स के प्रेजेंट कप्तान है। आपको कैसा लगा ये मूव गुजरात टाइटंस का, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना।